बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर जहाँ देखें कि मेरे पास मौजूद है जो है बहुत ही फ्रेश सा बड़ा सा मोटा ताज़ा सा जो है वो तरबूज यानी कि वाटरमेलन। आजकल इसका सीज़न है तो बहुत अच्छे बहुत मीठे प्यारे प्यारे जो है वो तरबूज मार्केट में आ रहे हैं। तो यहाँ से उल्टी साइड थी, अब यह सीधा साइड हो गया है। तो यहाँ हम अब अभी सबसे पहले उसे काटेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखते हैं कि ये कैसा जो है वो इसका कलर। ये माशाल्लाह जी देखें, बहुत ज़्यादा जो है वो सुर्ख तो नहीं है लेकिन सुर्ख है, बहुत प्यारा बहुत ही खूबसूरत पिंक सा इसका जो है वो कलर है। तो अभी इसको करेंगे हम साइड पे। यहाँ पे अब जो है वो एक बॉल ले लेंगे। तरबूज जो है वो खाने के लिए हम अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे इसकी जो छिलके हैं उनको हमने यूज़ करना है। ये हमने इस तरह जो है वो खाने वाला जो सद्दा उसमें से निकाल लिया है। तो अभी हमारे पास जो छिलके बचे हैं तो अभी हम इनको इस साइज में इस तरह काटेंगे। और अब इसमें से जो रेड वाला पार्ट बचा हुआ है सॉफ्ट वाला वो हम निकाल देंगे। अब देखिए इसमें से रेड वाला सारा पार्ट जो है वो निकल चुका है। तो अब ये जो छिलका है बैक वाला इसका ग्रीन हार्ड सा ये देखिए ये भी उतार लिया हमने। तो अभी यहाँ पे जो है वो ये सारे हमने यहाँ पे इस तरह जो है वो इस तरह के हमने चकोर जो है वो पीसेस जो है वो कर लिए हैं। यहाँ पे चूल्हे पे हमने एक पैन ले लिया है। तो इसमें हम डालेंगे तकरीबन एक डेढ़ लीटर जो है पानी, इतना खुला पानी जितने में हमारे जो है वो आसानी से बॉइल हो जाए। यहाँ हम जो है वो डेढ़ लीटर पानी डाल रहे हैं। तो अभी पानी के बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। यहाँ पानी का बॉयल आना शुरू हो गया है। तो अभी हमने ये जो तरबूज के छिलके हमने काट के रखे हैं ये सारे भी इसमें डाल देंगे। यहाँ आपने ये याद रखना है कि आपने इसे उबलते हुए पानी में डालना है। और यहाँ हमने इन्हें तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए बॉयल करना है क्योंकि अभी और भी प्रोसेस इसका बाकी है। तो फुली हमने इनको बॉयल नहीं करना, ट्रांसपेरेंट होने तक हमने इसको यहाँ पे बॉयल करना है। यहाँ तक ये 5 से 7 मिनट हो गए हैं इन्हें जो है वो उबलते हुए, और आप देख सकते हैं कि ये ट्रांसपेरेंट जो है वो हो चुके हैं। तो यहाँ अभी हम इनको निकाल लेंगे उबलते हुए पानी से।
दोबारा से हमने पैन चूल्हे पे रख लिया है। और अब एक ये बड़ा कप जो है ये हम बार बार इसमें चीनी डालेंगे और इतना ही बार बार हम पानी से डालेंगे। चीनी को जो है वो चला चला कर मेल्ट होने तक पकाएंगे। चीनी हमारी यहाँ पे मेल्ट हो चुकी है, बस हमने इसे यहाँ पे मेल्ट करना है। बबल आना शुरू हो गए हैं तो अब इस स्टेज पर हम अपने ये जो बॉईल करके हमें रखे हैं तक इसके छिलके वो डालेंगे। माशाल्लाह बहुत प्यारे से ये ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं। अभी हम इन्हें यहाँ पे पकाएंगे शीरे में, जहाँ तक कि शीरा जो हो एक तार तक जो है वो ठीक हो जाए। लेकिन इसको फ्लेवर और मज़ा देने के लिए भी हम इसमें कुछ चीज़ें डालेंगे, वो साफ साफ रहेगा आप देख पाएंगे। देख सकते हैं कि हमारा शीरा काफ़ी हद तक गया है, ये देखें बड़ा हो चुका है एक तार का। तो यहाँ पे हम जो पहली चीज़ डालेंगे वो है हमारे पास लेमन जूस, थोड़े से ड्रॉप्स तकरीबन एक लेमन जो है हम छोड़ेंगे। इससे ये होगा कि जब जिसे हम प्रिजर्व करेंगे यानी हम इसे सेव करेंगे तो ये चीनी को जो है वो क्रिस्टलाइज नहीं होने देता, चीज़ों को प्रिजर्व करने में मदद करता है। तो चंद ड्रॉप्स जो है वो हमने ये डाला है और इसमें फ्लेवर और खुशबू बिल्कुल कमर्शली लाने के लिए हम इसमें डाल रहे हैं जी केवड़ा एसेंस। थोड़ा सा हम इसमें केवड़ा एसेंस डाल रहे हैं, बहुत प्यारी खुशबू इसको बिल्कुल कमर्शली जो है फ्लेवर देगा। और यहाँ पर बहुत अच्छी तरह हमारा शीरा भी जो तैयार हो चुका है और ये भी बहुत अच्छी तरह ट्रांसपेरेंट जो है वो हो चुके हैं। तो जहाँ हम चूल्हे की फ्लेम बंद करेंगे और नेक्स्ट स्टेप जो है वो कर लेते हैं। अभी यहाँ पे हमने चार प्यालियाँ ली हैं, उन चारों में हमने फूड कलर डाली है। ये मेरे पास पाउडर फॉर्म में जो है वो फूड कलर है, आपके पास अगर लिक्विड है तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो अभी हमने जो तैयार किए हैं अपने वाटरमेलन से वो इनमें डालेंगे। ये तो हमने डाली है और अभी हमारे पास जो शीरा बचा है उसके अंदर वो भी हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। जो चाशनी है हमारी जिसमें हमने इसे पकाया है तकरीबन एक एक टेबल स्पून जो है वो इस पे आई है वो चाशनी। और अब यहाँ पे हम इनको मिक्स करेंगे कलर के साथ। सबसे पहले हमारे पास ये ग्रीन कलर है, ये मिक्स हो गया अच्छी तरह। ये हमारे पास नेक्स्ट जो कलर है वो ऑरेंज है। ये येलो हमारे पास भी ये मेरे पास रेड है। यहाँ ये चारों हमने जो है वो कलर मिक्स करके इन कप में रख लिए और अब हम इन्हें कम अज कम जो है 4 घंटे के लिए इसी तरह कलर के साथ रहने देंगे ताकि इनका कलर अच्छी तरह इन पे जो है वो पक्का हो जाए। तो 4 घंटे के बाद हम इन्हें चेक करेंगे।
तकरीबन जो है 6 घंटे गुजर चुके हैं हमारे इस तरह इनमें कलर मिक्स करके हमने रखा हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह ये कितना प्यारा जो है वो इनमें कलर आया है और ये बिल्कुल जो है वो ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं। बहुत प्यारी सी शाइन भी इनमें आ चुकी है और बहुत प्यारी सी जो है वो खुशबू भी इसमें से आ रही है। बिल्कुल लुक जो है आप चेक करें, जैसे बाजार का होता है मछली वैसा ही है। तो नेक्स्ट स्टेप जो हम करेंगे वो आपको दिखाते हैं। यहाँ हमें प्लेट ले लेंगे तो इसके ऊपर मैंने ये जो है वो एक जाली जो है वो मैंने इसके ऊपर रखी है। और अब ये जो हमारा हमने तैयार किया है मुरब्बा ये इसके ऊपर रख डालेंगे ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा शीरा वगैरह है वो नीचे चला जाए। ऑरेंज कलर का जो डाला है हमने वो डाल चुके हैं हम। येलो भी हो गया, ये हमारा रेड कलर भी हो गया। यहाँ अब हम जो है वो इसे जो है वो तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि इसमें से जो भी एक्स्ट्रा शीरा वगैरह है ये निकल जाए और इसे हवा लगे तो ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए। आप चाहें तो इसे पंखे के नीचे भी रख सकते हैं। टाइम गुजर चुका है तो आप देख सकते हैं कि कुछ का जो शीरा था वो निकल चुका है। तो अभी हम इसे साइड पे करेंगे और यहाँ पे फाइनल एक प्लेट में हम इसे निकाल लेंगे। फाइनली जी हमारा टूटी फ्रूटी हमारा अशरफी मुरब्बा तैयार हो चुका है। बहुत ही कलरफुल, बहुत ही खूबसूरत सा। आप इसे जो है वो जर्दे में इस्तेमाल करें, हलवे में डालें, दूध लारी में डालें, फ्रूट केक में डालें, हर चीज़ में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप इसे किसी भी एयर टाइट बॉक्स में रखकर 1 महीने तक फ्रिज में आप रखें, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, आप इसे आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप एक दफ़ा ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर पसंद आई प्लीज़ लाइक और शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।